बॉलीवुड के किंग खान को दोबारा से सिल्वर स्क्रीन्स पर देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब जल्दी ही उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है क्योंकि शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान का फर्स्ट टीजर आउट हो चुका है। इस टीजर में दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम को देखा जा सकता है जो पठान का हिस्सा है। इसके साथ साथ यहाँ पर शाहरुख खान को भी देखा जा सकता है लेकिन उनका फेस क्लियरली रिवील नहीं किया गया है। शाहरुख खान को सिर्फ एक शैडो में देखा जा सकता है जबकि जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण शाहरुख खान को इंट्रोड्यूस करते नजर आ रहे हैं लेकिन शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन यहां पर अधूरा है क्योंकि फिल्म में उनका क्या नाम होने वाला है उसके ऊपर जॉन और दीपिका बात करते नजर आए। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा इंसान है जिसका ना कोई रिलीजन है ना कोई जाति है तो उसका नाम कैसे रखा जाएगा। शाहरुख खान का ना ही यहाँ पर नाम रिवील किया गया ना ही उनका लुक दिखाया गया लेकिन ये टीजर देखकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं क्योंकि फैंस को लग रहा है कि अब ये फिल्म उन्हें जल्द देखने को मिलेगी। दीपिका और जॉन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि SRK की फिल्म पठान रिलीज होगी 25 जनवरी 2023 को ऑन रिपब्लिक डे वीकेंड। शाहरुख खान ने ये टीजर शेयर करते हुए लिखा, आई नो इट्स लेट बट रिमेंबर द डेट, पठान टाइम स्टार्ट्स नाउ, सी यू इन सिनेमाज ऑन 25 जनवरी 2023, रिलीजिंग इन हिंदी तमिल एंड तेलुगू, सेलिब्रेट पठान विद #YRF50 ओनली एट बिग स्क्रीन नियर यू। दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, सिद्धार्थ आनंद, YRF।